जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 10 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, देश दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है, और स्पेशल मैसेज क्या है। और शुरू करते हैं, सो लेट्स सी 10 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। 10 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है 10 जून, यूँ लग रहा है कुछ मुझे। और अभी मुझे अलग से एक एनर्जी वाइज वो हो रहा था कि अभी वीडियो बनानी है, वरना मैंने कल बनाने थे ये वीडियो। लेट्स सी देश के लिए, भारत के लिए कैसे रहने वाली है 10 जून की एनर्जी भारत के लिए। मुझे गंगा क्यों याद आ रही है पता नहीं बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं एक बार और शपथ कर लेती हूँ। भारत के लिए कैसे रहने वाली है 10 जून की एनर्जी भारत के लिए। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इट लुक्स लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 10 तारीख की भारत के लिए। वी कैन जस्ट गेट वन मोर, थैंक यू। वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है 10 जून की एनर्जी। ओके, 10 जून की एनर्जी दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है। और इसके साथ में एक मैसेज जो है हम लोगों के लिए, गाइडेंस जो है वो निकाल देते हैं 10 जून की, क्या गाइडेंस है हम लोगों के लिए 10 जून के लिए। ओके, जस्ट फील देयर इज वन मोर, ओके सो देयर आर टू। ओके सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 10 जून की एनर्जी जो है हम सब के लिए कैसी रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी अलग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो एक मिनट में कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड सारे दिखाई दें एक साथ। ओके सो 10 जून की एनर्जी, द कैमरा इज रेडी टू जंप। ओके सो 10 जून की एनर्जी, पहला कार्ड फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी होता है। फोर ऑफ वॉन्ट्स सेलिब्रेशन लेकर आता है, फोर ऑफ वॉन्ट्स पार्टनरशिप लेकर आता है, फोर ऑफ वॉन्ट्स कनेक्शन लेकर आता है, फोर ऑफ वॉन्ट्स किसी तरह की अच्छी खबर, किसी तरह की अच्छी न्यूज़, किसी तरह का अच्छा चेंज जो है उसको लेकर आता है। दूसरा कार्ड, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, दूसरा कार्ड जो है हैप्पी मैन आपको दिखाई देगा, हैप्पी लाफिंग बुद्धा। और ये 10 ऑफ वाटर्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वाटर्स जो है 10 ऑफ कप्स होता है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी होती है, खुशियों की एनर्जी, परिवार के साथ समय बिताने की एनर्जी, किसी चीज़ के कंप्लीशन की एनर्जी, वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। उसके बाद हम, आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मैं रिवर्स कार्ड क्यों नहीं ले रही हूँ, तो मैं एक तो ये गुड टैरो है, इसमें रिवर्स नहीं लेते। दूसरा, अगर टैरो सीखने हैं तो मैं, या जानना है ये सब, तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, 10 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, वहाँ पे आप टैरो लर्न कर सकते हैं। और फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि क्यों मैं ऐसा करती हूँ और क्यों आपको किस तरह से कार्ड्स लेने चाहिए, राइट। सो साथ चैरिट की एनर्जी है, वाह होते द एनर्जीज आर वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। चार से हमने शुरुआत की, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, चैरिट। चैरिट मतलब लाइफ का जो कनेक्ट, लाइफ का जो लीड है वो अपने हाथ में लेना, पावर जो है अपने हाथ में लेना, और अपने माइंड से चीज़ों को ड्राइव करना। और यहाँ पर लव की एनर्जी है, दिस इज 6 लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये लवर्स का कार्ड बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी साथ में दिखाता है, अलाइन है, और लाइन के ऊपर वो सर रख के सोई है, तो वो स्ट्रेंथ की एनर्जी साथ में दिखा रहा है, इन पावर की एनर्जी साथ में दिखा रहा है। दोनों तरफ गेट पे दो शेर बैठे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ब्यूटी एंड बीस्ट वाली एनर्जी जो है वो भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बिकॉज ओवर पावर करना कुछ लिमिटेशंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ इश्यूज़ को, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 ऑफ अर्थ, पेशेंस, और पेशेंस फाइनली पेइंग ऑफ। तो पेशेंस का रिजल्ट, हार्ड वर्क का रिजल्ट, आपके जो टास्क आपने किए हैं उनका रिजल्ट मिलना, काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जी जो है यहाँ पर फ्लो हो रही है। उसके बाद वाओ सन कार्ड, सन इज़ द न्यू बिगिनिंग, सन जो है वो नई बिगिनिंग बताता है, नई रोशनी बताता है, नए प्रोजेक्ट्स बताता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बताता है। और लास्ट कार्ड जो है दैट इज़ कॉल, वाओ जजमेंट, वाओ व्हाट द कार्ड्स आर सो पावरफुल, जजमेंट, कॉल, रीबर्थ, डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजंस, फाइनल मूवमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं 10 जून के। और ये हफ्ता वैसे तो मुझे अपने आप में ही बहुत पावरफुल लग रहा है, और उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं 10 जून तक हो गई होंगी, क्योंकि आज अभी 2 जून है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे पता नहीं कि 3 जून से जो जो चीज़ें बड़ी हो
होनी थी वो किस तरह से हो रही होंगी होंगी, अभी तो अभी वो हुई नहीं है, बट उम्मीद करती हूँ कि हुई होंगी। और ये 10 जून की एनर्जी जो है ये उनसे भी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्गर एनर्जी लग रही है। तो 10 जून की एनर्जी फैमिली के साथ समय बिताना, लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन आना, फैमिली के साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट करना, किसी चीज़ की लीड लेना, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना, रिलेशनशिप किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को ओवरपावर करना, किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को ओवरकम करना, अपनी चॉइसेस करना, पेशेंस का पे ऑफ करना और एक नई बिगनिंग, एक नया रीबर्थ जो है वो स्टार्ट होना, ये सारी एनर्जीज जो इस दिन के कार्ड में मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज क्या ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है। एक ही चीज़ बोलूँगी बस, डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुशी खुशी में ज़्यादा खा जाओगे या खुशी खुशी में ज़्यादा कुछ हैवी खा जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो थोड़ी सी एनर्जी है, बट अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी बहुत हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर एक और चीज़ बोलूँगी, अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही थी रिलेशनशिप्स में, मैनेज नहीं हो रहे थे, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी या मूवमेंट हो रही थी, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की एनर्जी है। पेशेंस जो है आपको रिजल्ट देंगे। तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आती है इस दिन, तो आपने पेशेंस के साथ उसको डील करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धीरे धीरे सिचुएशन को आगे लेकर जाना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो सिचुएशन बहुत अच्छे से डील होगी। कमांड अपने हाथ में रखनी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। लिटरली चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली चीज़ें कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सोचेंगे और आप देखेंगे चीज़ें हो रही हैं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी थॉट्स होने वाली है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी होने वाली है। कुछ बड़े डिसीजंस, कुछ बड़े कॉल्स, कुछ बड़े बिगिनिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें ओवरऑल भी होंगी बड़े लेवल पर। दिस इज़ नॉट ओनली लाइक आपके लेवल पर कुछ हो रहा है, ये है बड़े लेवल पर कुछ हो रहा है, डिवाइन लेवल पर बोलिए, देश के लेवल पर बोलिए, दुनिया के लेवल पर बोलिए। और वो चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको भी इम्पैक्ट कर रही हैं और पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उसका मतलब है पॉजिटिव चीज़ें हैं। चॉइसेस की एनर्जी है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर चॉइस करनी होगी आपने, चाहे ट्रैवल को लेकर, फैमिली को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, पेशेंस के साथ चॉइस कीजिएगा, आराम से चॉइस कीजिएगा, पॉजिटिव होकर चॉइस कीजिएगा, और वो चॉइस जो है वो डेफिनेटली आपका डिसीजन बनेगा बड़ा, और वो डिसीजन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आएगा। मतलब मैं मुझे लगता है घंटों बोलती रह सकती हूँ इन कार्ड्स पे, इतनी अच्छी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल एनर्जी है। बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि फैमिली के साथ समय ज़रूर बिताना है, खुश रहना है जितना ज़्यादा हो सके, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, चीज़ों को अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से कंट्रोल करना है, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरपावर करने की एनर्जी है, चॉइसेस हैं और डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेंगे, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो वो डिफ़िकल्ट चॉइसेस बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको रिजल्ट्स देंगी। और दिस इज़ लाइक द कॉल ऑफ द डिवाइन जो आपको आंसर करनी है। बहुत पावरफुल मैसेज है, इस दिन कॉल्स मिस मत कीजिएगा, मैसेजेस मिस मत कीजिएगा, रिवर्ट कीजिएगा हर चीज़ का, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पर बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। और देखते हैं इंडिया के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। वाओ, पहले ही एनर्जी जो है पेज ऑफ इंस्पिरेशन है, पेज ऑफ इंस्पिरेशन, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लिटरली उसके बाल और वहाँ पर एक थॉट बबल बन रहा है जो बहुत बड़ा बादल की तरह है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, कैट बैठी हुई है, दिस इज़ लाइक कोई बहुत बड़ी थॉट, कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत समय के बाद हुई हो, जो लाइफ में कलर ला दे, वो चीज़ों में कलर ला दे, चीज़ों को अलग तरह से दिखाए। और ये काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेसनेस के बाद है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डालने के बाद है। और दूसरा जो है पेज ऑफ, दो पेजेस आए हैं बाय द वे, 11-9-11 की एनर्जी है। और 9-11 वी नो दैट जब सडन कुछ होता है, सडन कोई चेंज होता है, एक तरह से अंत से, मतलब अंत हो ही नहीं पाता है, मतलब एक चीज़ होती है वो अभी हो ही रही होती है और अचानक से एक नई चीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ लाइक, मतलब ये वो नहीं है जहाँ पर अंत हुआ और शुरुआत हुई, आपको दिख जाता है कि अंत होता है और शुरुआत होती है, ये वो नहीं है, ये है अंत ही आरंभ है। और उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। और इंडिया के लिए मैं अगर कुछ चीज़ें बोलूँगी जो होने वाली हैं, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए कोई नया पैशन, कोई नई एनर्जी जो है जिसको लेकर इंडिया ने कोई स्टेप्स लिए हों, इंडिया ने कोई एक्शन
एक्शंस लिए हों, उनकी एनर्जी, उनकी क्यूरियोसिटी सामने आने वाली है, नॉलेज या एक तरह से अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ की गई, क्यों की गई, उसका क्या मतलब था। कोई डिसीजंस ऐसे होने वाले हैं जो बहुत पावरफुल होने वाले हैं। इंटेलेक्ट जो है ना, चश्मा डाल डाल के, इंटेलेक्चुअल्स सो कॉल्ड चश्मा डाल डाल के देखेंगे कि ये हो क्या गया और हम इसको कैसे डील करें। इस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मतलब लिटरली ऐसा है कि मिलियन स्पार्क्स, ऐसे आइडिया जो मिलियन स्पार्क्स लेकर आएंगे, नई बिगनिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत सारी वाइब्रेंट, ब्रिलियंट, पावरफुल एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस बहुत सारी पावरफुल ब्रिलियंट एनर्जी से क्या होगा, बहुत सारे स्कॉलर्स नहीं बोलूँगी मैं, लिब्रांडू बोलते हैं बेसिकली लिबरल्स, उनकी नींद उड़ने वाली है, मतलब नाइटमेयर्स, ऐसा होगा कि नींद में भी चिल्लाएंगे, उस तरह की एनर्जी है। मतलब बहुत अलग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लिटरली ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा डिसीजंस होने वाले हैं जिनको लेकर फिर कुछ लोग जो है ना नींद में भी चिल्लाने वाले हैं, चश्मा लगा लगा के देखने वाले हैं, और कुछ लोग डांस करने वाले हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को इन्जॉय करने वाले हैं। बहुत पावरफुल चेंज है इंडिया के लिए, बाय द वे। और अगर वर्ल्ड के लिए देखूँ तो वर्ल्ड के लिए भी अगर आप देखें तो पावरफुल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि सेवन ऑफ वॉइसेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। ये वॉइसेस जो हैं यहाँ पर सोर्ड्स हैं, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स है, ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ सोर्ड्स थीफ कार्ड होता है, छुपी हुई फॉक्स, राइट, छुपी हुई लोमड़ियाँ जो जगह जगह बैठी हैं आपके लिए एक नया रास्ता दिखा रही हैं, नया रास्ता बनाया है, पर वो नया रास्ता एक्चुअली रास्ता नहीं है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन एनर्जी है, वो एक्चुअली बेवकूफ़ बनाने की एनर्जी है। और उसके साथ जो दूसरा कार्ड आया है वो एट ऑफ मटीरियल है। एट ऑफ मटीरियल जो है वो चीज़ों के कंप्लीट होने की, कंप्लीशन की तरफ, मेहनत किसी चीज़ पे करने की एनर्जी है। तो सेवन ऑफ वॉइसेस जहाँ थीफ है, डिसऑनेस्टी है, जो हो रहा है उसको कॉपी करने की एनर्जी है, जो चीज़ें गलत, डिसऑनेस्टी से आगे लेकर जाने की एनर्जी है, या फ्रॉड करने की एनर्जी, चीज़ों को गलत तरीके से अपना, अपने ऊपर अपना बनाने की या अपने हिसाब से मोल्ड करने की एनर्जी है, वहीं पर एट ऑफ मटेरियल जो है वो एक्चुअली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप फाइनली डेस्टिनी की तरफ जाते हो, जहाँ पर आप एफर्ट डालते हो, जहाँ पर आप एक्सपर्ट एनर्जी में जाते हो। मुझे यहाँ लगता है वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे फ्रॉड या तो सामने आने वाले हैं या फिर मनी रिलेटेड बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और ये कल की एनर्जी से फ्लो चल रहा है कि मनी रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा होने वाला है वर्ल्ड लेवल पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक सच जो है वो सामने आने वाला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग गाइज। अब देख लेते हैं कि हमारे लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस क्या है, पहला है चाइल्ड वाउंडेड, एक बच्चा जो वाउंडेड है, राइट। और यहाँ पर बोलता है कि कंपैशन और डिज़ायर वाउंडेड चिल्ड्रन को सर्व करने की और ओपनिंग फॉरगिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मुझे ना लिटरली चाइल्ड एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और सुशांत ने भी मैसेज दिए हैं चाइल्ड एनर्जी से रिलेटेड, राइट, कि कुछ बच्चों को बचाया जाएगा या फिर कुछ चाइल्ड स्लेवरी से रिलेटेड कुछ बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है दो चीज़ें आपने ध्यान देनी है। इनर वाउंडेड चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड में अगर कोई इश्यूज़ हैं उनको हील करना है, बहुत वंडरफुल दिन है उस हीलिंग के लिए। और दूसरे, अगर कहीं पर आपको कोई लगता है किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई बच्चा, कोई और जिसको आपको लगता है हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी हेल्प करनी है, पर क्या नहीं करना है, रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, दूसरों पे ब्लेम्स नहीं डालने हैं, और फॉरगिवनेस जो है वो ज़रूर करनी है, फॉरगिवनेस से भागना नहीं है। और दूसरा जो है वॉरियर एनर्जी आई है ना, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि अगर आप एक चाइल्ड, इनर चाइल्ड को हील कर लेते हो या एक वाउंडेड चाइल्ड को हेल्प करते हो, तो वो एक वॉरियर में तब्दील हो सकता है। और ये है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल, आपका डिसिप्लिन, आपकी टफनेस, आपकी विल, हीरोइज़म, आपका सेल्फ सेक्रीफाइस, आपकी एनर्जी जिससे आप ईगो को कॉन्कर करते हो, और क्या नहीं करना है, एथिकल प्रिंसिपल्स ट्रेड नहीं करने हैं, किसी भी तरह से जीत के लिए, भाई मैं जीत जाऊँ कुछ भी हो जाए, वो वाली एनर्जी नहीं करनी है, और इनडिफरेंस जो है दूसरों पर, दूसरों को तकलीफ देकर उस एनर्जी से इनडिफरेंट नहीं हो जाना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन ना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है धीरे धीरे। और जिन भी लोगों ने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, जिन भी लोगों ने पावर, विक्ट्री के लिए, जीत के लिए, पावर के लिए गलत मीन्स, मीडियम्स इस्तेमाल किए हैं, उन सबके नंबर जो है ना वो लगना शुरू हो जाएंगे टेंथ से, और फिर वो बस लगते ही जाएंगे। और बहुत एक्सक्यूज़ मी,
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की, तो मुझे लगता है कि एनर्जीज लिटरली ऐसी हैं जहाँ पर, और वो मैच भी करता है हम सबके जो पर्सनल लाइफ की एनर्जी है उससे, क्योंकि अगर बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी और बुरे करने वालों की वाट लगेगी, बच्चे सेव होंगे, तो हम सबको डेफिनेटली उससे खुशी भी मिलेगी, हम सेलिब्रेट भी करेंगे। पर सेलिब्रेशन में ज़्यादा मत खा जाना याद रखना, स्टमक हेल्थ का ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर आप अपनी अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर कॉन्टैक्ट करना है। और जैसे मैंने बोला, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियोस अगर रेजोनेट कर रही है, अगर आपको लगता है जो चीज़ें वीडियोस में बोली हैं वो हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।